थोड़ा सा वो शाल और श्रीफल लेना बहुत आसान नहीं लगता मुझे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि 60 साल का हो गया मैं, आप सीनियर हो। In terms of you know your career in the industry, not by the age. I'm just kidding sir, I'm joking. ये ह्यूमरस फिल्म है तंबूरो, तो मैंने उस प्रकार से आपको जवाब दिया, बट जोक्स अपार्ट, बट एक बात बताता हूँ कि जिम्मेदारी डेफिनेटली बढ़ती है, और जब आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है उसके बाद तो जिम्मेदारी डबल बढ़ती है। खैर, ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पहले मैंने ये फिल्म ले ली थी, चूँकि ये फिल्म जो थी वो एक 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 तिरछी टाइप की ह्यूमर है, और इस टाइप की वैकी टाइप ह्यूमर की कोई फिल्म मैंने नहीं की थी, मैंने इस प्रकार का किरदार भी नहीं किया था, तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि ये फिल्म क्लिक करे अगर इस प्रकार से बनती है। तो जिस वक्त रोहित भाई और शैलेश डायरेक्टर हमारे पास आए, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल डू इट। मुझे उन्होंने एक मैंने 7 दिन लिए वो डिसीजन लेने के लिए, मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके ठीक है, क्योंकि एक बाजू गुजराती फिल्में जो बनती हैं, अरे अच्छी फिल्में नहीं बनती, ऐसा बोलना बहुत आसान है। ओके, कुछ टैलेंटेड लोग आए हैं जिनके साथ मैं काम करूं, जो लोग मुझे चाहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के ऑडियंस हो, चाहे गुजरात का हो, या चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया का हो, सब मुझे प्रेम करते हैं। गुजराती लोगों मने दिल में रखे छे, मने एमना मस्तिष्क में रखे छे, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बढ़ती है कि सिर्फ किनारे रहकर ये बोलना आसान है कि ये अरे यार अच्छी फिल्में बननी चाहिए गुजराती में, नहीं, ये बोलना एक अलग बात है, और जाके वहाँ पे तैरना चाहिए, तब जाके वो चीज़ हो सकता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रयासों में अच्छी फिल्मों बनने की शुरुआत होगी, और ये मेरा दायित्व समझता है, कुछ चीजों की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी बजट की फिल्म में कई कई